दूसरों पर जुल्म न करो ताकि तुम पर भी जुल्म न किया जाए। सूद हराम है। शैतान इस सरजमीन में अपनी परस्तिश से मायूस हो गया। फिर फरमाया, और मैं तुम में ऐसी चीज छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुमने इसको मजबूती से पकड़े रखा तो इसके बाद हरगिज गुमराह नहीं होगे, और वो है अल्लाह की किताब। लोगों, अपने रब के घर का हज करना और अपने हुक्मरानों की इताअत करना, ऐसा करोगे तो अपने रब की जन्नत में दाखिल होगे। हाँ, तुमसे मेरे मुतालिक पूछा जाने वाला है तो तुम लोग क्या कहोगे? सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने जवाब दिया, हम गवाही देते हैं कि आपने तबलीग कर दी, पैगाम पहुंचा दिया और खैरखाही का हक अदा कर दिया। ये सुनकर आपने शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाया और लोगों की तरफ झुकाते हुए तीन बार फरमाया, ऐ अल्लाह, गवाह रहना। आपके इरशादात को रबिया बिन उमैया बिन खल्फ अपनी बुलंद आवाज से लोगों तक पहुंचाते रहे। जब आप खुतबा देने से फारिग हो चुके तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मैदान अरफात ही में तकमील दीन की आयत नाजिल फरमाई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहसियत दीन पसंद कर लिया। सैयदिना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने ये आयत सुनी तो रोने लगे। उनसे पूछा गया, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, इसलिए कि कमाल के बाद जवाल ही तो है। खुतबे के बाद बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अजान दी, फिर इकामत कही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुहर की नमाज पढ़ाई। इसके बाद बिलाल ने फिर इकामत कही और आपने असर की नमाज पढ़ाई, और इन दोनों नमाजों के दरमियान कोई और नमाज नहीं पढ़ी। इसके बाद सवार होकर आप जाय वकूफ पर तशरीफ लाए, अपनी ऊंटनी कसवा का शिकम पहाड़ों की तरफ किया और जबले मुशात यानी पैदल चलने वालों की राह में वाके रेत के तोदे को सामने किया और किबला रुख मुसलसल इसी हालत में वकूफ फरमाया, यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने लगा। थोड़ी जर्दी खत्म हुई, फिर सूरज की टिकिया गायब हो गई। इसके बाद आपने सैयदना उसामा रजी अल्लाह अन्हु को अपने पीछे बिठाया और वहाँ से रवाना होकर मुजदलिफा तशरीफ लाए। मुजदलिफा में मगरिब और इशा की नमाजें एक अजान और दो इकामत से पढ़ी, दरमियान में कोई नफल नमाज नहीं पढ़ी। इसके बाद आप लेट गए और तुलुए फज्र तक लेटे रहे। इसके बाद आपने हज के बाकी उमूर सर अंजाम दिए, हत्ता के 13 जिलहज को सवार होकर खाना काबा तशरीफ ले गए, अलविदाई तवाफ किया और फज्र की नमाज पढ़ी। फिर मक्का मुकर्रमा से निकलकर मदीना मुनव्वरा की तरफ कूच फरमाया। जब मदीना तय्यबा के करीब पहुँचे और उसके आसार दिखाई देने लगे तो तीन बार फरमाया, अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तारीफ, और वो हर चीज पर कादिर है। हम पलटने वाले, तौबा करने वाले, इबादत गुजार, सजदा करने वाले, अपने रब की तारीफ करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और तन्हा सारी जमातों को शिकस्त दी। रूमियों को इस्लाम और अहले इस्लाम की तरक्की कतन गवारा नहीं थी। उनके यहाँ रहने वाला कोई शख्स मुसलमान हो जाता तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। उनकी इस जुर्रत और बेजा गुरूर को खत्म करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर 11 हिजरी में एक बड़े लश्कर की तैयारी शुरू फरमाई ताकि वो रूम की फिलिस्तीनी सरजमीन को रौंद कर रूमियों को खौफजदा कर दे और उनकी हुदूद पर वाके अरब कबाइल का एतमाद बहाल करे। इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 फौजियों का एक लश्कर तैयार फरमाया। सैयदना उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हो को लश्कर का सालार मुकर्रर फरमाया। ये आजाद करदा गुलाम सैयदना जैद रजी अल्लाह अन्हो के बेटे थे। 28 सफर 11 हिजरी को बीमारी की हालत में आपने सैयदना उसामा रजी अल्लाह अन्हो का झंडा अपने दस्ते मुबारक से दुरुस्त फरमाया। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबाए किराम सैयदना उसामा रजी अल्लाह अन्हो की मातहती में इस लश्कर में शरीक थे। सैयदना अली और सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा आपकी तीमारदारी की गरज से मदीने में ठहर गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो और सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो अमीर लश्कर सैयदना उसामा से इजाजत लेकर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत के लिए आते जाते रहे। आपकी अलालत में रोज बरोज इजाफा हो रहा था। ये लश्कर मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ। मदीने से 3 मील दूर मकाम जुरुफ में खैमाजन हुआ। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की तश्वीशनाक खबरें मौसूल हो रही थीं। चुनाचे उसामा रजी अल्लाह अन्हो अपने लश्कर के साथ वहीं रुके रहे, बल्कि अल्लाह के फैसले के इंतजार में ठहरने पर मजबूर हो गए। और अल्लाह का फैसला ये था कि ये लश्कर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के अहदे खिलाफत में रवाना हो। ये अहदे सिद्दीकी की पहली फौजी मुहिम करार पाई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत की तबलीग और उम्मत की खैरखाही का काम मुकम्मल कर लिया तो आपके अकवाल व अफआल में दुनिया से रहलत के आसार नुमाया होना शुरू हो गए। आपने 10वें साल रमजान में 20 दिन का एतिकाफ फरमाया और सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको 2 मर्तबा कुरान का दौर कराया। आपने अपनी साहिबजादी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया, मैं समझता हूँ मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। सैयदना मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हो को यमन की तरफ रवाना फरमाया तो उन्हें वसीयत फरमाई, ए मुआज, गालिबन इस साल के बाद तुम मुझसे मुलाकात न कर सकोगे और मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुजरोगे। ये सुनकर सैयदना मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हो रोने लगे। आपने हज्जतुल वदा में कई बार कहा, गालिबन मैं तुम लोगों से अपने इस साल के बाद न मिल सकूंगा, गालिबन इस साल के बाद हज न कर सकूंगा। इसी तरह अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम और इजा जा नसरुल्लाह का नुजूल इसी बात का पैगाम था कि आप दुनिया में अपनी मुहिम से फारिग हो चुके हैं और इसी वजह से इस हज का नाम हज्जतुल वदा रखा गया, क्योंकि आपने अपने रब सुबहानहु व तआला की तरफ मुंतकिल होने के लिए लोगों को अलविदा कहा। अवाइल सफर 11 हिजरी में आप उहद तशरीफ ले गए और शुहदा के लिए इस तरह दुआ की, गोया जिंदों और मुर्दों से रुखसत हो रहे हैं। फिर वापस आकर मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और फरमाया, मैं तुम्हारा पेश रहा हूँ और तुम पर गवाह हूँ, अल्लाह की कसम इस वक्त अपना हौज देख रहा हूँ, मुझे जमीन या जमीन के खजानों की कुंजियाँ दी गईं, अल्लाह की कसम मुझे तुम पर यह खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, बल्कि इसका अंदेशा है कि दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लग जाओगे। माह सफर के आखिर में आप रात के वक्त बकीए गरकद तशरीफ ले गए, अहले बकी के लिए दुआए मगफरत की और फरमाया, हम भी तुमसे आन मिलने वाले हैं। माह सफर के आखिरी पीर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में बकी तशरीफ ले गए। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, आप बकी से वापस तशरीफ लाए तो मैं अपने सर में दर्द महसूस कर रही थी और ये कह रही थी कि हाय मेरा सर। ये सुनकर आपने फरमाया, बल्कि मैं वल्लाह ए आयशा हाय मेरा सर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की इब्तिदा थी। इसके बावजूद आप बारी बारी सब बीवियों के पास दिन गुजारते रहे, यहाँ तक कि मरज में शिद्दत आ गई। उस वक्त आप सैयदा मैमूना रजी अल्लाह अन्हा के घर में थे और पूछ रहे थे, कल मैं कहाँ रहूंगा, मैं कल कहाँ रहूंगा। मतलब ये था कि मुझे सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ रहने दिया जाए। चुनाचे अजवाजे मुतहरात ने इजाजत दे दी कि आप जहाँ चाहें रहें। आप सैयदना फजल बिन अब्बास और सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हुमा के सहारे पांव जमीन पर घसीटते हुए निकले और सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के घर मुंतकिल हो गए। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब आप मेरे घर तशरीफ लाए और बीमारी ने जोर पकड़ा तो आपने फरमाया, मुझ पर 7 मशकीजे पानी डालो जिनका बंधन न खोला गया हो, ताकि मैं लोगों को वसीयत कर सकूं। चुनाचे हमने आपको सैयदा हफ्जा रजी अल्लाह अन्हा के एक लगन में बिठाकर मशकीजों से पानी डाला, यहाँ तक कि आपने इरशाद फरमाया, बस बस लोगों तुमने काम पूरा कर दिया। उस वक्त आपने कुछ तकफीफ महसूस की और मस्जिद में तशरीफ ले गए। सर पर पट्टी बंधी हुई थी, मिंबर पर फिरोकश हुए और बैठकर खुतबा दिया और लोगों को वसीयत फरमाई। तुमसे पहले जो लोग थे वो अपने अंबिया और बुजुर्गों की कब्रों को सजदागाह बना लेते थे, तुम लोग कब्रों को सजदागाह न बनाना, मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ। और फरमाया, यहूदो नसारा पर अल्लाह की लानत, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाया। मजीद फरमाया, तुम लोग मेरी कब्र को बुत न बनाना कि उसकी पूजा की जाए। फिर आपने खुद को किसास के लिए पेश किया, अंसार के मुतालिक खैर की वसीयत फरमाई। फिर फरमाया,
एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो दुनिया की चमक दमक और जेबो जीनत में से जो चाहे ले ले, या अल्लाह के पास जो कुछ है उसको इख्तियार करे, तो उस बंदे ने अल्लाह के पास जो कुछ है उसको इख्तियार किया है। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु रोने लगे और फरमाया, हम अपने माँ बाप के साथ आप पर कुर्बान। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की इस बात पर हमें हैरत हुई, लेकिन चंद दिन बाद मालूम हुआ कि जिस बंदे को इख्तियार दिया गया था वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और अबू बकर हम सबसे ज्यादा साहिबे इल्म थे कि बात को उसी वक्त समझ गए थे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो की तारीफ की और उनके दरवाजे के सिवा मस्जिद में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद करने का हुक्म फरमाया। उसी दिन आपने वसीयत की कि यहूदो नसारा और मुशरिकीन को जजीरतुल अरब से निकाल दिया जाए और वफ़्त को उसी तरह नवाजा जाए जिस तरह आप नवाजा करते हैं। आपने नमाज, गुलामों और लौंडियों के बारे में भी वसीयत फरमाई और फरमाया, मैं तुम में दो चीजें छोड़ रहा हूँ, जब तक इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे, किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत। मर्ज की शिद्दत के बावजूद आप नमाजें खुद पढ़ाते रहे, लेकिन उस दिन यानी जुमेरात को जब इशा का वक्त हुआ तो आपने लगन में गुस्ल फरमाया ताकि मरज में कमी हो जाए। उठने लगे तो गशी तारी हो गई, फिर इफाका हुआ तो दोबारा गुस्ल फरमाया, फिर उठने लगे तो उस बार भी गशी हो गई, तीसरी बार गुस्ल फरमाया, उठने लगे तो फिर गशी तारी हो गई। आखिर आपने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को कहला भेजा कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। चुनाचे उस वक्त से बकिया अय्याम में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने नमाज पढ़ाई। आपकी हयात मुबारका में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने 17 नमाजें पढ़ाई। हफ्ता या इतवार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इफाका महसूस फरमाया, चुनाचे दो आदमियों के सहारे से जोहर की नमाज के लिए तशरीफ ले आया। उस वक्त सैयदिना अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे। आपकी आमद को महसूस करते ही अबू बकर सिद्दीक पीछे हटे, लेकिन आपने इशारे से रोक दिया और फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पहलू में बैठकर नमाज पढ़ाई। इस नमाज की सूरत ये थी कि आपको देखकर अबू बकर सिद्दीक और अबू बकर सिद्दीक को देखकर दूसरे लोग नमाज के अरकान अदा करते जाते थे। 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हुजरा मुबारक से आपने पर्दा उठाकर देखा तो सहाबा फजर की नमाज में खुशू और खुजू से मशगूल थे। ये मंजर देखकर आप खुशी से मुस्कुरा दिए। मुसलसल अलालत के बायस कमजोरी बहुत हो गई थी। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा का सहारा लेकर लेट गए। उसी रोज या इसी हफ्ते में किसी रोज आपने सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को बुलाया और कुछ सरगोशी की, वो सुनकर रोने लगी, फिर कुछ सरगोशी की तो वो हंसने लगी। सैयदा आयशा ने पूछा तो छुपा गईं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उन्होंने बताया कि पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप अपने इसी मरज से वफात पा जाएंगे। ये सुनकर मैं रोई। फिर आपने फरमाया कि आपके अहलो इयाल में सबसे पहले मैं आपसे मिलूंगी, इसलिए मैं हंसी थी। और आपने उन्हें ये बशारत भी दी थी कि आप सारी खवातीन जन्नत की सरदार हैं। दिन जैसे जैसे चढ़ रहा था आप पर बार बार गशी तारी हो रही थी। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ये देखकर बोली, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने उनके अल्फाज सुने तो फरमाया, आज के बाद तुम्हारा बाप कभी बेचैन नहीं होगा। फिर आपने हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा को चूमा, अजवाज मुतहरात को बुलाकर वाज़ो नसीहत फरमाई। उधर लम्हा बलम्हा तकलीफ बढ़ती जा रही थी और उस जहर का असर भी जाहिर होना शुरू हो गया था जो आपको खैबर में खिलाया गया था। चुनाचे आप उसकी तकलीफ शिद्दत से महसूस कर रहे थे। आपने इस हालत में चेहरे पर एक चादर डाल रखी थी। जब सांस फूलने लगता तो चादर चेहरे से हटा देते। इस हालत में भी आपने फरमाया, यहूदो नसारा पर अल्लाह की लानत, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाया। मतलब ये था कि तुम ऐसे काम न करना। आपने इन लम्हात में ये वसीयत भी फरमाई, सरजमीन अरब में दो दिन बाकी न रहने दिए जाएं। ये आखिरी वसीयत थी जो आपने लोगों को फरमाई। इसके बाद कई बार फरमाया, नमाज नमाज
और तुम्हारे जेरे दस्त लौंडी और गुलाम, यानी इनका खास ख्याल रखना। फिर नजा की हालत शुरू हो गई। सय्यदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको अपने सीने और गले के दरमियान सहारा दिया। इसी दौरान में उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आए, उनके पास खजूर की ताजा मिसवाक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक की तरफ देखने लगे। सय्यदा आयशा सिद्दीका समझ गईं कि आप मिसवाक करना चाहते हैं। उन्होंने पूछा, क्या आप मिसवाक करना चाहते हैं? आपने सर के इशारे से हाँ फरमाया। चुनाचे उन्होंने मिसवाक लेकर चबाई, नर्म की, और फिर आपने उसको ले लिया। निहायत अच्छी तरह मिसवाक की। आपके सामने प्याले में पानी था। आप पानी में दोनों हाथ डालकर चेहरा पोंछते जाते थे और फरमाते जाते थे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मौत के लिए सख्तियां हैं। फिर आपने दोनों हाथ या उंगली उठाई, निगाह छत की तरफ बुलंद की, दोनों होंठों पर कुछ हरकत हुई। सय्यदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कान लगाया तो आप फरमा रहे थे, उन अंबिया, सिद्दीकीन, शुहादा और सालेहीन के साथ जिन्हें तूने इनाम से नवाजा, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफीक आला में पहुंचा दे, ए अल्लाह रफीक आला। आखिरी फिक्रा तीन बार दोहराया और रूह परवाज कर गई, हाथ झुक गया और आप रफीक आला से जा मिले। ये पीर का दिन था, रबीउल अव्वल की 12 तारीख और हिजरत का 11वां साल था। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल 4 दिन हो चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस सानेहाए अजीम की खबर आन की आन में सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम में फैल गई। दुनिया उन पर तारीख हो गई। करीब था कि वो अपने हवास खो बैठते, क्योंकि कोई दिन इससे ताबनाक और रोशन नहीं था जिस दिन आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे, और कोई दिन उस दिन से ज्यादा तारीख नहीं था जिस दिन आपने वफात पाई। सहाबाए किराम रो रो कर इस तरह आहें भर रहे थे जैसे हाजियों का शोर बरपा हो। दूसरी तरफ सय्यदना उमर रजी अल्लाह अन्हो की रंज और गम से ये हालत थी कि मस्जिद के सहन में खड़े फरमा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक वफात नहीं पा सकते जब तक कि अल्लाह ताला मुनाफिकीन को फना न कर दे। आप इन लोगों को कत्ल करने की धमकियां दे रहे थे जो ये कहें कि आप वफात पा गए हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। सुबह की नमाज के बाद जब उन्होंने आपके मरज में कमी महसूस की तो सुख में वाके अपने मकान पर चले गए थे। जूं ही उन्हें आपकी वफात की खबर मिली, फौरन घोड़े पर सवार हुए और उतरकर मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। लोगों से कोई बात न की, सीधे आयशा सिद्दीका के हुजरे में गए। आपके जसद अत्थर की तरफ बढ़े। आपका जसद धारीदार यमनी चादर से ढका हुआ था। उन्होंने चादर चेहरे मुबारक से उठाई, पेशानी पर बोसा दिया, रोए और फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह आप पर दो मौतें जमा नहीं फरमाएगा। जो मौत आपके लिए लिख दी गई थी वो आ चुकी। इसके बाद सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, उमर बैठ जाओ, मगर उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। चुनाचे उन्हें उनके हाल पर छोड़कर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो मिंबर के पास तशरीफ लाए और उसके बाजू में खड़े हो गए। सहाबाए किराम भी सय्यदना उमर रजी अल्लाह अन्हो के पास से हटकर उनके पास जमा हो गए। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, तुम में से जो शख्स मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था तो वो जान ले कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाकई हो चुकी है, और तुम में से जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था तो यकीनन अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है, कभी नहीं मरेगा। फिर सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 तिलावत की। मुहम्मद नहीं है मगर रसूल ही, इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या अगर उनकी मौत वाके हो जाए या वो कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे? और जो शख्स अपनी एड़ियों के बल पलट जाए तो वो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सय्यदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम ऐसा लगता था कि लोगों ने इससे पहले जाना ही नहीं था कि अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई है। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इस आयत की तिलावत की तो सारे लोगों ने उनसे ये आयत अख्स की
और तब ऐसा महसूस हुआ कि हर कोई इस आयत की तिलावत कर रहा है। खुद सैयदिना उमर रजी अल्लाह अन्हु का इरशाद है, अल्लाह की कसम मैंने जूं ही सैयदिना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को ये आयत तिलावत करते सुना तो जान गया कि ये हक है। बस मैं टूट कर रह गया, यहाँ तक कि मेरे पांव मुझे उठा ही नहीं रहे थे और मैं जमीन की तरफ लुढ़क गया और मैंने जान लिया कि वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है। इस आयत का सुनना था कि सहाबे किराम की आंखें खुल गईं और ऐसा मालूम हुआ कि ये आयत आज ही उतरी है। हर सहाबी की जुबान पर यही आयत थी, इसी का चर्चा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज और तकफीन का काम मंगल को शुरू हुआ। सैयदिना फजल बिन अब्बास, सैयदिना अली उल मुर्तजा और सैयदिना उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हुम ने गुस्ल दिया। सैयदिना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे में आपने वफात पाई, वहीं आपको दफन किया गया। ये हुजरा आज तक रोजा नबवी के नाम से मौसूम है। अब जरा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक का बयान हो जाए। सैयदा उम्मे माबद रजी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिया मुबारक बयान फरमाया है, अर रहीकुल मख्तूम के मुअल्लिफ ने उसको अपने अल्फाज में कुछ इस तरह बयान किया है। चमकता दमकता रंग, ताबनाक चेहरा, खूबसूरत साख्त, जमाले जहां ताब के साथ ढला हुआ पैकर, सुरमगी आंखें, दराज पलकें, भारी आवाज, चमकदार लंबी गर्दन, घनी दाढ़ी, बारीक और बाहम पैवस्ता अबरू, खामोशी की हालत में बावकार, गुफ्तगू करें तो मुंह से फूल झड़ें, दूर और नजदीक से देखने में सबसे ज्यादा ताबनाक और पुरजमाल, खूबसूरत शीरी अदा, गुफ्तगू चाशनी लिए हुए, बात वाजह और दो टोक, अंदाज ऐसा कि लड़ी से जैसे मोती झड़ें, दरमियाने से कदरे निकलता हुआ इंतहाई जाजिब नजर कद, जैसे दो शाखों के दरमियान एक इंतहाई तरोताजा शाख, आपके रुफका आपके गिर्द हल्का बनाए हुए, कुछ फरमाएं तो तवज्जो से सुनते हैं, कोई हुक्म दें तो लपक कर बजा लाएं, रंग मुबारक न बहुत सफेद न गंदम गूं, आजा मुतनासिब, सीना कुशादा, कंधों के दरमियान आम तनासुब से कदरे ज्यादा फासला, सर बड़ा लेकिन मुतनासिब, कुशादा पेशानी जिससे शराफत टपके, बाल मुबारक सियाह और घने, कदरे घुंघराले जो कानों की लौ तक आते थे, भवें मेहराबी यानी आपस में मिली हुई, रुखे अनवर सुबुक, दराजी की तरफ मायल, इस कदर रोशन और चमकदार के दिल में उतर जाए, बड़ी बड़ी सियाह आंखें, लंबी पलकें, खूबसूरत उभरी हुई सुतवा नाक, दांत कुशादा चमकदार मोतियों की मानंद, जिल्द साफ नर्म और रेशम से ज्यादा मुलायम, चेहराए अनवर पर गौर व फिक्र के आसार नुमाया, गरज आप मक्के भर में सबसे ज्यादा हसीन थे, और आगे बढ़कर कहता हूँ आप दुनिया भर में सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। सुभान अल्लाह। ये था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक का तस्करा। तफसील के लिए इसी मौजू पर हमारी कैसेट आईने जमाले नबुवत समाअत फरमाएं, जिसमें सही अहादीस की रोशनी में तफसील के साथ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान किया गया है। अब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और उम्महातुल मोमिनीन का कुछ जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर दूसरे अइज्जा व अकारिब पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचा थे, इनमें सैयदना हमजा और सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा मुसलमान हुए। अबू तालिब आपके फिदाई और नासिर थे। 6 फूफियां थी, 12 गुलाम थे, सबको आजाद फरमाया। 3 लौंडियां थी, इनमें से एक उम्मे ऐमन रजी अल्लाह अन्हा थी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत इज्जत करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तादाद में इख्तिलाफ पाया जाता है। मुत्तफकुन अलैह रिवायत का खुलासा ये है कि आपकी औलाद की तादाद 6 है। कासिम, इब्राहिम, जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा रजी अल्लाह अन्हुम। ऐलान नबूवत से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से निकाह फरमाया।
उनके हां सबसे पहले कासिम पैदा हुए, ये नबुवत से 11 साल पहले पैदा हुए। इन्हीं के नाम की मुनासबत से आपकी कुनियत अबुल कासिम थी। आप इस कुनियत को बहुत पसंद फरमाते थे। सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम भी आम तौर पर आपको अबुल कासिम ही कहते थे। कासिम 2 साल तक जिंदा रहे, एक रिवायत के मुताबिक 1.5 साल और एक कौल के मुताबिक उन्होंने चलना फिरना सीख लिया था। मतलब ये कि आपके यहाँ सबसे पहले कासिम पैदा हुए, इसी तरह सबसे पहले इंतकाल भी उन्हीं का हुआ। उन्होंने ऐलान नबूवत से 9 साल पहले वफात पाई। सैयदा खदीजा के अलावा सिर्फ सैयदा मारिया किप्तिया रजी अल्लाह अन्हा से एक लखते जिगर इब्राहिम पैदा हुए। इनके अलावा किसी और जोजाए मोहतरमा से आपकी औलाद नहीं हुई। आपके दूसरे लखते जिगर इब्राहिम जुमादल अव्वल 9 हिजरी को पैदा हुए। उनकी वालिदा मारिया किप्तिया को इस्कंदरिया के बादशाह मुकोकस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए बतौर खास भेजा था। इब्राहिम ने 10 हिजरी 29 शव्वाल को 17 या 18 माह की उम्र में इंतकाल किया। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से निकाह के 5 बरस बाद सैयदा जैनब पैदा हुई। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल थी। गोया जब ऐलान नबुवत हुआ सैयदा जैनब रजी अल्लाह अन्हा 10 साल की हो चुकी थी। ये भी अपनी वालिदा के साथ ही ईमान ले आये। इनका निकाह अबुल आस बिन रबी से हुआ। ये उनकी खाला हाला बिनते खुवैलद के साहिबजादे थे। सैयदा हाला बिनते खुवैलद और सैयदा खदीजा दोनों सगी बहनें थीं। सैयदिना अबुल आस मुसलमान होने से पहले भी ताजिर थे, दौलतमंद थे और अमानतदार थे। ऐलान नबुवत हुआ तो कुफार आपसे दुश्मनी पर उतर आए। चुनाचे उन्होंने अबुल आस से कहा कि सैयदा जैनब को तलाक दे दें, लेकिन उन्होंने कुफार का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं जैनब के बदले में कुरैश की किसी औरत को पसंद नहीं करता। अबुल आस अगरचे उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने सैयदा जैनब को तलाक न दी। इसी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ फरमाई। ये गजवाए बद्र में गिरफ्तार हुए। उन्होंने अगरचे लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन मुशरिकीन के साथ आए जरूर थे। कैदियों को छुड़ाने के लिए उनके अजीजों ने मुआवजे इरसाल किए। सैयदा जैनब रजी अल्लाह अन्हा ने अपने खावन को छुड़ाने के लिए अपना हार भेजा। ये हार उन्हें सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से मिला था। इस हार को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, तुम पसंद करो तो अबुल आस को रिहा कर दो और जैनब का हार वापस कर दो। सहाबे किराम ने फौरन उन्हें रिहा कर दिया, हार भी उन्हें दे दिया। इस पर आपने फरमाया, जब आप मक्के पहुँचे तो जैनब को हमारी तरफ भेज दें। अबुल आस ने ये वादा पूरा किया, उन्हें मदीना मुनव्वरा भेज दिया। हिजरत के दौरान में हिबार बिन अस्वद ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कुफार ने उनकी मदद की। इस कश्मकश में सैयदा जैनब जख्मी भी हुई, ताहम आप मदीना मुनव्वरा पहुँच गयी। इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, मेरी बेटियों में सबसे अफजल जैनब है। उसे मेरी वजह से मुसीबत में मुबतला होना पड़ा और अजियत में मुबतला किया गया। हिबार बिन अस्वद जिन्होंने सैयदा जैनब को रोकने की कोशिश की थी, फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ये कसूर मुआफ कर दिया। सैयदा जैनब रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ अबुल आस रजी अल्लाह अन्हो से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। लड़के का नाम अली और लड़की का नाम उमामा रखा गया। इन दोनों की परवरिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। अली बचपन में फौत हुए। आपको उमामा से बहुत मोहब्बत थी। एक हार बतौर हदिया आपके पास आया। आपने फरमाया, ये हार मैं अपने अहले बैत में से उसे दूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। चुनाचे आपने वो हार उमामा को दे दिया। 12 हिजरी में सैयदा उमामा से सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो ने निकाह किया, क्योंकि उस वक्त तक सैयदा फातिमा वफात पा चुकी थी। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो की शहादत के बाद मुगीरा बिन नौफल से उनका निकाह हुआ। इन्हीं के निकाह में ये फौत हुई। अबुल आस रजी अल्लाह अन्हु के मुसलमान होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा जैनब को पहले निकाह में दोबारा उनके घर रुखसत फरमाया। इसके कुछ ही अरसे बाद 8 हिजरी में सैयदा जैनब इंतकाल कर गयी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदा जैनब के बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ सैयदा रुकैया पैदा हुई।
ये उनसे 3 साल बाद पैदा हुई। उनकी पैदाइश के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 33 साल थी। गोया एलाने नबूवत के वक्त उनकी उम्र 7 साल थी। ये भी अपनी वालिदा के साथ ही ईमान ले आई। इस्लाम से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह अपने चचा अबू लहब के बेटे उत्बा से कर दिया था, रुख्सती नहीं हुई थी। आपने नबूवत का ऐलान फरमाया तो अबू लहब दुश्मनी में सबसे आगे बढ़ गया। उसने बेटे को हुक्म दिया, मोहम्मद की बेटी को तलाक दे दो, तलाक नहीं दोगे तो तुमसे बात नहीं करूंगा। बाप के कहने पर उसने सैयदा रुकैया रजी अल्लाह अन्हा को तलाक दे दी, यानी ये तलाक सिर्फ इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर दी गई थी। इसके बाद आपने सैयदा रुकैया रजी अल्लाह अन्हा का निकाह सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हो से कर दिया। सैयदा रुकैया ने सैयदना उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह अन्हो के साथ हबशा की हिजरत भी की और ये इस्लाम में सबसे पहली हिजरत थी। हबशा में उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। अपने वालिदैन के साथ हिजरत करके ये नवासे रसूल मदीना मुनव्वरा पहुँचे और 6 साल की उम्र में वफात पा गए। 2 हिजरी में गजवा बद्र पेश आया तो सैयदा रुकैया बीमार थी। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु उनकी तीमारदारी की खातिर गजवा बद्र में शिरकत न कर सके। ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माले गनीमत में से हिस्सा अता फरमाया। गजवा बद्र के दौरान में ही सैयदा रुकैया इंतकाल कर गयी, यानी जब आप बद्र के मैदान से वापस तशरीफ लाए तो ये दुनिया से रुख्सत हो चुकी थी। आप उनके जनाजे में भी शरीक न हो सके, अलबत्ता कब्र पर तशरीफ ले गए। सैयदा रुकैया ने करीबन 21 साल की उम्र में वफात पाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3री साहिबजादी हैं। ये अपनी कुनियत ही से मशहूर हुई। आपने नबूवत का ऐलान फरमाया तो वालिदा और बहनों के साथ ईमान लाईं, हिजरत तक मक्के में रहीं। ऐलान नबूवत से पहले आपने उनका निकाह अबू लहब के दूसरे बेटे उतैबा से कर दिया था, रुख्सती नहीं हुई थी। इस्लाम लाने पर अबू लहब ने उन्हें भी तलाक दिलवाई। गजवाए बद्र के मौके पर जब सैयदा रुकैया का इंतकाल हो गया तो सैयदना उस्मान पर उनकी वफात का बहुत असर हुआ। हर वक्त गमगीन रहते थे। आपने उन्हें इस दर्जे गमगीन देखकर एक रोज फरमाया, ए उस्मान, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं अपनी दूसरी बेटी आपके निकाह में दे दूं। जो महर रुकैया का मुकर्रर हुआ था उतना ही महर उम्मे कुलसूम का हुआ। इस तरह सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हो से उनका निकाह हुआ और आप ज़ुल-नूरैन कहलाए, यानी 2 नूरों वाले। ये निकाह रबीउल अव्वल 3 हिजरी में हुआ। उम्मे कुलसूम के हाथ कोई औलाद नहीं हुई। जब तक सैयदा उम्मे कुलसूम सैयदना उस्मान के निकाह में रही, उन्होंने किसी और औरत से निकाह नहीं किया। सैयदा उम्मे कुलसूम का इंतकाल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुआ। उन्होंने शाबान 9 हिजरी में रहलत फरमाई। उनके इंतकाल पर सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हो और ज्यादा गमगीन हुए। इन हालात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, अगर मेरे यहाँ 10 बेटियाँ भी होती तो मैं यके बाद दीगरे उस्मान के निकाह में दे देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4थी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा थी। आप सबसे छोटी थी। आप नबूवत के पहले साल पैदा हुई। आपकी चाल ढाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उठते बैठते और हर बात में सैयदा फातिमा से ज्यादा आपके मुशाबह और किसी को नहीं देखा गया। आपकी उम्र 15.5 साल की हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो से कर दिया। उस वक्त सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो की उम्र 20 साल 5 माह थी। इस निकाह के गवाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक और सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी औकात में सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को बहुत वसीयतें फरमाई। उनमें से एक ये थी, मेरी वफात पर मातम न करना, चेहरे को न पीटना, बाल न नोचना, नौहा न करना, न नौहा करने वालों को बुलाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आप सिर्फ 6 माह जिंदा रहीं, फिर चंद रोज बीमार रहकर वफात पा गईं। इंतकाल 3 रमजान 11 हिजरी बरोज मंगल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया,
फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। इसी तरह आपको सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की औलाद सैयदना हसन बिन अली और सैयदना हुसैन बिन अली से बहुत मोहब्बत थी। अल्लाह ताला की सैयदा फातिमा पर हजारहा रहमतें हों। अब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात का तस्किरा करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली जौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा बिनते खुवैलद रजी अल्लाह अन्हा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हो के सिवा आपकी तमाम औलाद इन्हीं से हुई। आप पूरी जिंदगी इन्हें याद करते रहे, इनकी कुर्बानियों का जिक्र करते रहे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के वालिद अपने कबीले में बाहैसियत आदमी थे। उन्होंने मक्के में रिहायश इख्तियार की, वहीं उन्होंने फातिमा बिनते जायदा से शादी की। उन्हीं से सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा पैदा हुई, जो उम्मत मुस्लिमा की पहली उम्मुल मोमिनीन बनी। आप आमुल फील से 15 साल पहले पैदा हुई। इस तरह आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीबन 15 साल बड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आपके दो निकाह हुए। पहले खावन का नाम अतीक बिन आबिद मखजूमी और दूसरे का नाम अबू हाला था। दूसरे शौहर की मौत के बाद आप पर तिजारत का बोझ आ पड़ा। तिजारत आपका खानदानी पेशा था। उस जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत का माल लेकर शाम जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन मशहूर हो चुके थे। सैयदा तक आपकी शोहरत पहुंची तो उन्होंने अपना सामान तिजारत आपके हवाले किया। आप वो सामान शाम ले गए। इस सफर में उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। इस तरह सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आपसे बहुत ज्यादा मुतासिर हो गईं और आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम दिया। आपने उनका पैगाम मंजूर फरमा लिया। निकाह अबू तालिब ने पढ़ाया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और सैयदा की उम्र 40 साल थी। 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया। आप पर पहली बार वही का नुजूल हुआ तो आप घबरा गए। आप पर कपकपी तारी हो गई। इन हालात में सैयदा खदीजा ने आपको बहुत सहारा दिया और अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गईं। ये साबिका आसमानी कुतुब के आलिम थे। उन्होंने बताया कि आप पर वही फरिश्ता उतरा है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, यानी अल्लाह ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया है। इसके बाद आपने अल्लाह के हुक्म से नबूवत का बाकायदा ऐलान फरमाया तो सैयदा खदीजा ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने इन मुश्किल तरीन दिनों में हर तरह आपका साथ दिया, अपना सब कुछ कुर्बान किया। मुशरिकीन ने आपको झुटलाया, तरह तरह से अजियतें पहुंचाई, जबकि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की तस्दीक करती रहीं। शेबे अबी तालिब की घाटी में 3 साल आपके साथ रहीं। ये 3 साल इंतहाई मुसीबत के साल थे। मुसलसल तकालीफ ने आपको बीमार कर दिया और आखिर आप रमजान 10 नबवी में इस दुनिया से रहलत कर गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊं। निसाई और मुस्नद अहमद की एक रिवायत के अल्फाज हैं, जन्नत की औरतों में सबसे अफजल ये 4 औरतें हैं: खदीजा बिनते खुवैलद, फातिमा बिनते मोहम्मद, मरियम बिनते इमरान और आसिया जौजा फिरौन। बुखारी की एक रिवायत में है, खदीजा तमाम जहानों की औरतों से बेहतर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी जौजा मोहतरमा सैयदा सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह अन्हा हैं। आपका नाम सौदा, वालिद का नाम जमा बिन कैस और वालिदा का नाम शमूस बिनते नफीस था। कबीला आमिर बिन लुआई से थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनका निकाह सकरान बिन अम्र आमरी रजी अल्लाह अन्हो से हुआ। ये उनके चचाजाद भाई थे। सैयदा सौदा ने शुरू ही में इस्लाम कबूल कर लिया था। दोनों मियां बीवी ने कुफार का जुल्म बर्दाश्त किया, हबशा की तरफ हिजरत भी की। कई बरस बाद जब मक्का लौटे तो सकरान का इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए
तब आपने इन्हें भी मदीना बुलवा लिया। 10 हिजरी में आपने हज किया। इस मौके पर सैयदा सौदा रजी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थी। आपका इंतकाल सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के दौर में हुआ। आप बहुत सखी थीं। एक मरतबा सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने दिरहमों की एक थैली उनकी खिदमत में भेजी। आपने वो तमाम दिरहम उसी वक्त तकसीम कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा निकाह सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया। उस वक्त सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 6 साल थी। आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की छोटी बेटी थी। नुबुव्वत के 4थे साल पैदा हुई। 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। आपकी तमाम तर तालीम और तरबियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में हुई, लिहाजा निहायत आला दर्जे की तरबियत हुई। यही वजह है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा शरीयत के मसाइल की माहिर थी। बड़े बड़े सहाबा सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मसाइल पूछते थे। इसकी बड़ी वजह यही है कि दिन रात आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल सीखती रहती थी। सैयदा का हुजरा मस्जिद नबवी से मिला हुआ था, लिहाजा आप मस्जिद में होने वाली तालीम भी सुनती थी। शाबान 5 हिजरी में एक हौलनाक वाकया पेश आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवाए बनी मुस्तलिक से वापस आ रहे थे। एक मकाम पर लश्कर ने पड़ाव डाला। सुबह सवेरे काफले की रवानगी से पहले आप कजाए हाजत के लिए दूर निकल गईं। उस वक्त आपके गले में एक हार था। ये हार उनकी बड़ी बहन सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा का था। अचानक उन्होंने देखा कि हार कहीं गिर गया है। ये उस हार को तलाश करने निकल गईं। उधर काफला रवाना हो गया। सैयदा उस वक्त बहुत दुबली पतली थी। हौदज उठाकर ऊंट पर रखने वालों को पता ही न चल सका कि आप हौदज में नहीं हैं। हार तलाश करके जब आप काफला की जगह लौटी तो काफला जा चुका था। अब तो आप बहुत परेशान हुई। सहाबी रसूल सैयदना सफवान बिन मुअत्तल सुलमी की जिम्मेदारी ये थी कि काफले की गिरी पड़ी चीजों को उठाते थे, इसलिए लश्कर से पीछे रहते थे। आप वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सैयदा को देखा। आपको देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उस वक्त सैयदा की आंख लग गई थी। उनकी आवाज सुनकर आंख खुल गई। उन्होंने अपना चेहरा फौरन चादर में छुपा लिया। उन्होंने अपना ऊंट उनके करीब किया, ऊंट को बिठा दिया। सफवान खुद पीछे हट गए। आप ऊंट पर सवार हो गईं। सफवान रजी अल्लाह अन्हु ने ऊंट की महार पकड़ ली और आगे रवाना हो गए। दोपहर के वक्त काफला तक पहुँचे। अगरचे ये बिल्कुल मामूली वाकया था और सफर में ऐसा होना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त लश्कर में कुछ मुनाफिक भी मौजूद थे। उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने सैयदा आयशा सिद्दीका पर इल्जाम लगा दिया, गोया वो पाक दामन नहीं रही, नऊज़ु बिल्लाह। इस इल्जाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा को सख्त सदमा पहुँचाया। सैयदा आयशा सिद्दीका इल्जाम से ला इल्म थी। वो मदीना तय्यबा पहुंचकर बीमार हो गईं। जब आपको इस इल्जाम के बारे में मालूम हुआ तो आप हलकान होकर रह गईं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर वालिदैन के घर आ गईं। सैयदिना अबू बकर सिद्दीक और उनकी जौजा मोहतरमा उम्मे रूमान रजी अल्लाहु अन्हा का भी बुरा हाल था। यहाँ आकर सैयदा आयशा को सारी बात का पता चला। आप रोने लगी। सैयदिना अबू बकर भी रोने लगे। आपकी वालिदा मोहतरमा भी रोने लगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ लाए। ऐसे में अचानक आप पर वही की कैफियत तारी हो गयी और अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयात नाजिल फरमाई। इन आयात में सैयदा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की बेगुनाही का ऐलान फरमाया गया और उन लोगों पर लानत की गई और वाज़ह किया गया कि उन लोगों ने बहतान अजीम लगाया था। उन्हें अजाब की वईद सुनाई गई। इस तरह सैयदा आयशा सिद्दीका की शान को 4 चांद लग गए। आप जवानी में बेवा हुई। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी के सिर्फ 9 साल गुजारे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा के हुजरे में गुजारे, वहीं दफन हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपने 50 साल बेवगी की जिंदगी गुजारी। आपने सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में 17 रमजान 58 हिजरी में इंतकाल फरमाया। उस वक्त उम्र 63 साल थी। अल्लाह की आप पर बेशुमार रहमतें हों। 2 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। ये सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो की बेटी थी। उनकी पहली शादी खुनैस बिन हुज़ैफा साहमी रजी अल्लाह अन्हो से हुई। गजवाए बद्र में ये जख्मी हुए और उन्हीं जख्मों से शहादत पाई।
बेटी के बेवा होने पर सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो को फिकर लाहिक हुई। ऐसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सैयदा हफ्सा से निकाह की ख्वाहिश फरमाई। इस तरह ये निकाह हुआ। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा निहायत फजल और कमाल की मालिक थी। शाबान 45 हिजरी में वफात पाई। वो जमाना सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हो का था। आपकी कुछ जायदाद थी। वफात से पहले अपने भाई अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हो को वसीयत की कि इस जमीन को सदका कर देना, अल्लाह ताला की उन पर हजार हा रहमतें हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निकाह सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया। ये बहुत ज्यादा सखी थी, इसलिए इनकी कुनियत उम्मुल मसाकीन मशहूर हुई। बहुत रहमदिल भी थी, फुकरा और मसाकीन को फयाजी से खाना खिलाती थी। इनका पहला निकाह सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश से हुआ। ये जलीलुल कद्र सहाबी थे, बहुत बहादुर थे, गज़वाए उहुद में शहीद हुए। उनकी शहादत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब से निकाह फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त आपकी उम्र 30 साल के करीब थी। निकाह के सिर्फ 3 माह बाद आप इंतकाल कर गईं। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बाद ये पहली बीवी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इंतकाल कर गईं। अल्लाह की उन पर बेशुमार रहमतें हों। आपने एक निकाह सैयदा उम्मे सलामा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया। उनका नाम हिंद था, वालिद का नाम अबू उमैया था। ये मक्का मुअज्जमा के एक सखी बुजुर्ग थे। वालिदा का नाम आतिका बिनते आमिर था। आपका पहला निकाह अब्दुल्लाह बिन अल असद से हुआ। ये अबू सलामा के नाम से मशहूर थे। उम्मे सलामा के चचाजाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिजाई भाई थे। इस्लाम की इब्तिदा ही में दोनों मियां बीवी ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोनों को मक्का से हबशा की हिजरत का शरफ भी हासिल हुआ। फिर ये मक्के वापस आ गए। सैयदा उम्मे सलामा पहली खातून हैं जो मक्के से हिजरत करके मदीने पहुंची। हिजरत के सफर में बहुत तकालीफ उठाई। अबू सलामा ने उनसे पहले मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। अबू सलामा उहद की लड़ाई में जख्मी हुए और अपने मालिक से जा मिले। जब उम्मे सलामा रजी अल्लाह अन्हा की इद्दत पूरी हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें निकाह का पैगाम मिला। आपने मंजूर फरमाया। इस तरह ये निकाह हुआ। आप 4 हिजरी में हरम नबवी में दाखिल हुई। पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं। आपकी तारीख वफात में इख्तिलाफ पाया जाता है। ज्यादातर रिवायात यह हैं कि आपने 63 हिजरी में 84 साल की उम्र में वफात पाई। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत थीं, बहुत फजाइल की मालिक थीं। इल्म के लिहाज से भी उनका मुमताज मकाम है। लोग उनसे मसाइल पूछा करते थे। कुरान और सुन्नत की माहिर थीं और फिकह पर भी उबूर रखती थीं। मुत्तकी और परहेजगार इतनी थीं कि शरीयत की खिलाफ वर्जी कतअन बर्दाश्त नहीं करती थीं। अल्लाह की उन पर बेशुमार रहमतें हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निकाह सैयदा ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया। आपका नाम बर्रा था, वालिद का नाम जहश और वालिदा का उमैमा था। ये अब्दुल मुत्तलिब की साहिबजादी थी। इस तरह सैयदा ज़ैनब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी की बेटी थी। उमैमा अब्दुल्ला की सगी बहन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी। सैयदा ज़ैनब सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं, फिर सबसे पहले हिजरत करने वालों में भी शरीक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम बर्रा से तब्दील करके ज़ैनब रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले आपका निकाह सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे और आजाद करदा गुलाम थे, लेकिन इन दोनों की आपस में न निप सकी और तलाक हो गई। तब उनकी इद्दत के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनसे निकाह का इरादा फरमाया। उन्हें निकाह का पैगाम भेजा। सैयदा ज़ैनब ने मंजूर किया। इस पर मुनाफिकीन ने ताना दिया कि देखो, पैगंबर ने खुद अपने बेटे की औरत से निकाह कर लिया। अल्लाह ताला ने इन बदबातिनों के रद में आयत खातमुन नबीयीन नाजिल फरमाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल
और खातम النبیین ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے، اس طرح منافقین کے منہ بند ہو گئے۔ یہ نکاح 4 ہجری میں ہوا۔ اس نکاح کی خاص بات یہ ہے کہ اس موقع پر پردے کا حکم نازل ہوا، نکاح کے لیے وحی آئی، یہ نکاح آسمانوں پر ہوا۔ سورہ احزاب کی آیت 37 سیدہ زینب کے بارے میں نازل ہوئی۔ سیدہ زینب فخر سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے زمین پر کیے ہیں، جبکہ میرا نکاح میرے رب نے آسمانوں پر کیا۔ آپ بہت زیادہ سخی تھی، محنت کر کے صدقہ کرتی تھی تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ آپ کا انتقال 20 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 35 سال تھی اور وفات کے وقت آپ کی عمر 53 سال تھی۔ اللہ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے کیا۔ آپ کا نام برہ تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رکھا۔ آپ کا پہلا نکاح مصافیہ بن صفوان سے ہوا۔ سیدہ جویریہ کے والد حارث کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے تھا، یہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی۔ اس لڑائی میں ان کے قبیلے کے 11 مرد قتل ہو گئے، باقی لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار شدگان میں سیدہ جویریہ بھی تھی۔ مال غنیمت کی تقسیم میں یہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، لیکن انہوں نے لونڈی کی حیثیت سے رہنا منظور نہ کیا اور ثابت بن قیس سے اجرت طے کر لی۔ اس سلسلے میں مدد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا رضا مند ہو گئیں۔ باپ انہیں معاوضہ دے کر چھڑانے آیا تو انہوں نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اس طرح باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں لے لیا ہے تو ان کے قبیلے کے سب لوگوں کو آزاد کر دیا۔ اس طرح سیدہ اپنے قبیلے کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئیں، ان کی وجہ سے پورے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی، وفات کے وقت عمر 65 سال تھی۔ آپ نے ربیع الاول 50 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ نے نہایت سادہ اور زاہدانہ زندگی بسر کی، اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ آپ نے ایک نکاح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ آپ کا نام رملہ تھا، ام حبیبہ کنیت تھی، والدہ کا نام صفیہ تھا۔ بعض مورخین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے۔ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ اعلان نبوت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں، شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جہش سے ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے۔ دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ بدقسمتی سے حبشہ میں عبداللہ بن جہش مرتد ہو گیا، اس نے عیسائیت قبول کر لی، شراب پینے لگا، اسی حالت میں مر گیا۔ عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے منظور کیا، نجاشی نے نکاح پڑھایا اور ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا، سامان بھی ساتھ دیا۔ یہ نکاح 6 ہجری میں ہوا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 36 یا 37 سال تھی۔ اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ سیرت اور صورت دونوں کے لحاظ سے ممتاز تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت محبت تھی۔ ایک بار ابو سفیان ملنے کے لیے آئے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا۔ آپ نے 44 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کے بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 73 سال تھی۔
अल्लाह ताला की आप पर बेशुमार रहमतें हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निकाह सैयदा सफिया बिनते हुयई रज़ियल्लाहु अन्हा से किया। आपकी वालिदा का नाम बर्रा और आपके वालिद का नाम हुयई बिन अख्तब था। ये बनू नजीर का सरदार था। आपका पहला निकाह सलाम बिन मिशकम यहूदी से हुआ। सलाम ने उन्हें तलाक दे दी। दूसरा निकाह किनाना बिन अबुल हुकैक से हुआ। ये खैबर के मशहूर कले अल कमूस का सरदार था। खैबर की लड़ाई में किनाना मारा गया। सैयदा सफिया के बाप और भाई भी इस जंग में मारे गए। खुद ये गिरफ्तार हुई। पहले दोनों खावनों से उनके यहां कोई औलाद नहीं थी। माल गनीमत तकसीम हुआ तो ये देहिया कल्बी रजी अल्लाह अनहो के हिस्से में आई। लेकिन सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि सफिया खुद आपके शायान शान है। आपने देहिया कल्बी रजी अल्लाह अनहो को उनके बदले एक दूसरी लौंडी दे दी और सैयदा सफिया को आजाद करके उनसे निकाह कर लिया। ये 7 हिजरी का वाकया है। आपने उनसे खैबर ही में निकाह किया। सैयदा सफिया ने 50 हिजरी में वफात पाई। उस वक्त उम्र 60 साल थी। आपका कद छोटा था लेकिन हसीनो जमील थी। आप भी आलिम फाजिल थी। औरतें आपसे मसाइल पूछा करती थी। सैयदा सफिया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। जब सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अनहो को बागियों ने घेरा तो सैयदा सफिया रजी अल्लाह अनहा ने उनकी बहुत मदद की। जरूरत की चीजें उनके घर पहुंचाती रहीं। अल्लाह ताला की उन पर बेशुमार रहमतें हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निकाह सैयदा मैमूना बिनते हारिस रजी अल्लाह अनहा से किया। इनका नाम बर्रा था। आपने मैमूना रखा। वालिद का नाम हारिस बिन हुज्न और वालिदा का हिंद बिनते औफ था। आप सैयदना इब्ने अब्बास और सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हुमा की हकीकी खाला थी, क्योंकि उनकी बड़ी बहन लुबाबतुल कुबरा सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की जौजा और इब्ने अब्बास की मां थी। दूसरी बहन लुबाबतुस सुगरा वलीद बिन मुगीरा की बीवी और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की मां थी। आपका पहला निकाह जाहिलियत के जमाने में हुआ। इनके खावंद का नाम मसूद बिन अम्र सकफी था। दोनों में अलाहिदगी हो गई। इसके बाद आपका निकाह अबू रोहम बिन अब्दुल उज्जा से हुआ। अबू रोहम 7 हिजरी में फौत हो गया। शव्वाल 7 हिजरी में ही आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। इन्होंने खुद अपने आप को निकाह के लिए पेश किया था। इस बारे में सूरह अहजाब की आयत 50 नाजिल हुई। ए नबी, आपके लिए वो बा ईमान औरत हलाल है जो अपना नफ्स हिबा कर दे। ये इस सूरत में कि नबी भी उससे निकाह करना चाहे। ये खास तौर पर आप ही के लिए है, मोमिनों के लिए नहीं। रिवायात के मुताबिक ये निकाह उमरतुल कजा के मौका पर सरिफ के मकाम पर हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की गरज से निकले थे। फिर सैयदा मैमूना आपके साथ मदीना तैयबा आ गईं। 61 हिजरी में सरिफ ही के मकाम पर आपका इंतकाल हुआ। तमाम उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में यही फौत हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा मारिया किप्तिया को भी अपने हरम में दाखिल फरमाया। उनके वालिद का नाम शमऊन और वालिदा का नाम रूमिया था। सैयदा मारिया को मिस्र के बादशाह मुकौकस ने 7 हिजरी में आपकी खिदमत में बतौर हदिया भेजा था। उनके साथ उनकी बहन सीरीन भी बतौर हदिया आई थी। सैयदा मारिया बहुत हसीन और जमील थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बालाखाने में ठहराया। इन्हीं से आपके यहां सैयदना इब्राहिम पैदा हुए। ये 17 या 18 माह की उम्र में इंतकाल कर गए। सैयदा मारिया रजी अल्लाह अनहा ने सैयदना उमर रजी अल्लाह अनहो के जमाने में इंतकाल फरमाया। जन्नतुल बकी में दफन हुई। अल्लाह ताला की उन पर हजारहा रहमतें हुई।